हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा कई टाइप के एयरक्राफ्ट डिफरेंट ओरिजिन्स के यूज़ किए जाते हैं। चाहे Su-30 MKI की बात कर लें जो कि रशिया से आता है, चाहे MiG-29 की बात कर लें जो कि अगेन रशिया से आता है, फिर Mirage-2000 की बात कर लें जो फ्रांस से आता है, जैगुआर की बात कर लें जो ब्रिटिश और फ्रेंच है, उसके बाद MiG-21 जो कि आने वाले 2 सालों में रिटायर हो रहा है, अगेन रशियन एयरक्राफ्ट है, फिर रफाल जो फाइनली हमने लिया है ये फ्रेंच है। तो करीबन 7 टाइप्स के एयरक्राफ्ट हम ऑपरेट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट के डिफरेंट वेपन पैकेजेस हैं जो कि अगेन डिफरेंट कंट्रीज के हैं। उनके बाद उसके स्पेयर्स, चाहे वेपन्स के हों चाहे एयरक्राफ्ट के हों, ये अगेन डिफरेंट होंगे। तो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है ये, और क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज से भी हमें यहाँ पर चीज़ें सोर्स करनी है तो ये एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंसिव अल्टीमेटली पड़ जाता है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस द्वारा भी ये सजेशन दिया गया कि इंडियन एयरफोर्स को कोशिश करनी चाहिए कि एक ही टाइप के एयरक्राफ्ट इनके द्वारा ऑपरेट किए जाएं। अगर हम एग्जांपल देखें तो फ्रेंच एयरफोर्स एक ही टाइप का एयरक्राफ्ट फ्यूचर में ऑपरेट करने का प्लान कर रही है, जिसके अंतर्गत जितने भी Mirage-2000 उनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं वो रफाल से रिप्लेस किए जाएंगे। क्योंकि आजकल के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये मल्टी रोल परफॉर्म करने में सक्षम है, तो एक ही एयरक्राफ्ट से आप डिफरेंट रोल्स को परफॉर्म करा सकते हैं। पर यहाँ पर एयरफोर्स का ये आर्ग्यूमेंट है कि ये हर टाइप के एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं जो कि मिक्सचर होता है लो, मिड और हाई टियर फाइटर्स का। तो ये आर्ग्यूमेंट कई जगह पर वैलिड भी है। जहाँ पर चाकू की ज़रूरत है वहाँ तलवार यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, और जहाँ पर तलवार की ज़रूरत है वहाँ पर चाकू से काम नहीं चलेगा। तो आपको रिक्वायरमेंट तो है दोनों की, और क्योंकि जो हमारे सिक्योरिटी रिस्क हैं ये फ्रांस जैसे नहीं है, तो फ्रांस की स्ट्रेटजी हम नहीं अपना सकते। पर इस तरीके से हम आगे चल भी नहीं सकते। अगर हमें फ्यूचर में बड़ी फ्लीट ऑपरेट करनी है और फ्यूचर में 42 स्क्वाड्रन रीच करना है, तो हम डेफिनेटली ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट को लेकर, उनके वेपन सिस्टम्स को लेकर हमारे लिए 42 स्क्वाड्रन ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन देखकर चलना है जिसके अंतर्गत ये हाई, लो, मीडियम कैपेबिलिटी के जो एयरक्राफ्ट हैं इनको तो हम ऑपरेट करें, साथ ही साथ लॉजिस्टिकल इशू भी ना आए। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये सिंपल है। हमारे द्वारा तेजस के डिफरेंट वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, Tejas Mark 1, Tejas Mark 1A, Tejas Mark 2, उसके बाद फिर AMCA, फ्यूचर में नेवी के लिए TDBF। तो इन सारे एयरक्राफ्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि कई चीज़ें कॉमन होंगी, वेपन पैकेजेस से लेकर कई स्पेयर्स तक। हम ये कह सकते हैं कि Tejas Mark 1, Mark 1A, Mark 2 और AMCA इवोल्यूशन है LCA तेजस का। तो एयरफोर्स जो हाई, लो, मीडियम मिक्स चाहती है ये एयरफोर्स को मिलेगा। लो में इनको LCA तेजस मिल जाएगा, मीडियम में इनको Tejas Mark 2 मिल जाएगा, और हाई में AMCA मिल जाएगा, जिसमें से Tejas Mark 2 और AMCA में इंजन तक कॉमन होंगे। बाकी जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि Tejas Mark 2 जो है ये कई एडवांस फीचर AMCA के शेयर करेगा। सेम चीज़ TDBF के साथ भी होगी, सेम इंजन जो कि जनरल इलेक्ट्रिक का F414 है यही यूज़ होने वाला है, तो कॉमनलिटी वहाँ पर भी होगी। बाकी वेपन पैकेज भी सारे इंडियन होंगे तो वहाँ पर भी कोई इशू नहीं होगा। तो हमारे द्वारा जो MiG-21s हैं ये 2025 तक रिटायर कर दिए जाएंगे, फिर जैगुआर्स, MiG-29s और Mirage-2000 2035 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। और तब तक ऐसा माना जाता है कि कम से कम Tejas Mark 2 तो इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होना चालू हो जाएगा। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर फ्रांस खाली रफाल ऑपरेट कर सकती है तो इंडियन एयरफोर्स को हाई, लो, मीडियम एयरक्राफ्ट का मिक्सचर क्यों चाहिए। तो पहले हमने चाकू और तलवार के कॉन्सेप्ट से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करी, अब हम आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो जब F-35 का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था तो ऐसा प्लान किया गया था कि इसी एयरक्राफ्ट से सारे रोल जो हैं पूरे किए जाएंगे, इसीलिए 3 वर्जन बनाए गए थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ, ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पर कम आए और जो लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं ये भी थोड़े कम रह सकें, एक ही फाइटर से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस किया जाए। लेकिन जब एयरक्राफ्ट को प्रैक्टिकली यूज़ में लाया गया तो ये देखा गया कि जो रोल F-15 और F-16 परफॉर्म कर रहे हैं, जितने कॉस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, ये F-35 नहीं कर पा रहा है। ऑल्दो स्पेसिफिक रोल्स में ये काफ़ी बेहतरीन फाइटर है, पर F-16 के जितना चीप टू फ्लाई नहीं है, मनोरेबल नहीं है, साथ में F-15 जितने वेपन्स कैरी नहीं कर सकता, तो बॉम्बिंग रन में लिमिटेशंस आ जाती हैं। साथ में नेवी को ये रियलाइज़ हुआ कि जो F-35C है ये FA-18 सुपर हॉर्नेट जितना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है कैरियर से ऑपरेट करना, साथ ही साथ उतने वेपन्स भी कैरी नहीं कर सकता है और उतना रिलायबल भी नहीं है। मरीन कोर के लिए कहा जा सकता है कि उन्हें थोड़ा सेटिस्फेक्शन था, क्योंकि जो F-35B है ये
हैरियर के ऊपर एक अपग्रेड था। तो क्योंकि F-35, F-16 या फिर F-15 को रिप्लेस नहीं कर पाया, इसलिए US द्वारा 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को देखा जा रहा है F-16 को रिप्लेस करने के लिए। तो हाई लो मीडियम मिक्स जो है ये आपको डेफिनेटली चाहिए, और सिंगल प्लेटफॉर्म से इनको रिप्लेस करने का कॉन्सेप्ट जो हम ये पहले देख चुके हैं जो कि फेलियर निकल कर सामने आया था, तो वो चीज़ हमें ट्राई नहीं करनी चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट खाली पॉइंट डिफेंस की है तो वहाँ पर Su-30 MKI को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। तो पॉइंट डिफेंस के लिए LC-13 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं ये ज़्यादा सूटेबल होंगे। तो हमारी जो अप्रोच है वो एक्चुअली राइट डायरेक्शन में है, सिंगल प्लेटफॉर्म के मल्टीपल वर्जन जो कि एक दूसरे का इवोल्यूशन है और काफ़ी कॉमनलिटी शेयर करते हैं वेपन्स में भी, इंजन्स में भी और कई कंपोनेंट्स में भी। तो डेफिनेटली सारे एयरक्राफ्ट एकदम सेम नहीं है, तो लॉजिस्टिकल इश्यूज जो हैं थोड़े बहुत रहेंगे, पर काफ़ी हद तक ये आयरन आउट किए जा सकेंगे और पहले से तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन में हम रहेंगे। साथ ही अभी जो 7 टाइप्स के एयरक्राफ्ट हम यूज़ कर रहे हैं इससे भी हम काफ़ी नीचे आएंगे। जैगवार्स MiG-29 और Mirage 2000 को भी रिप्लेस करने के लिए 13 Mk II को यूज़ किया जाएगा और MRFA को यूज़ किया जाएगा, यानी कि 3 टाइप के एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए 2 टाइप के एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे। अगर MRFA में रफाल चूज़ कर लिया जाता है तो 7 टाइप्स के एयरक्राफ्ट के बजाय खाली 4 टाइप्स के एयरक्राफ्ट हमारे पास होंगे। फ्यूचर में AMC आ जाएगा तो 5 टाइप्स के एयरक्राफ्ट हमारे पास होंगे, जिसमें से अगर हम रफाल की लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और TOT के थ्रू इन एयरक्राफ्ट को लेते हैं तो इसको लेकर भी डिपेंडेंसी हमारी फ्रांस पर नहीं रहेगी, जिस पर हमारे द्वारा काम किया जा सकता है। तो फ्यूचर में हमें इतनी परेशानी नहीं होने वाली है जितनी आज हो रही है। बाकी सेम चीज़ हेलीकॉप्टर फ्लीट को लेकर भी है, हमारे द्वारा कई डिफरेंट कंट्रीज़ के हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से Mi-17 जो है रशियन है, चिनुक अमेरिकन है, अपाचे अमेरिकन है, फिर जो Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर है ये अगेन रशियन है, बाकी जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं और रुद्र हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडियन है। फ्यूचर में जो Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं जो कि लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर हमारे द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, इनको भी IMRH से रिप्लेस किया जाएगा। बाकी Mi-35 और अपाचेस की बात करें तो फ्यूचर में प्लान्स ये भी हैं कि IMRH के मर जाने के बाद अटैक हेलीकॉप्टर भी सेम कैटेगरी के बनाए जा सकते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। पर इस लॉजिस्टिकल नाइटमेयर से बचने के लिए भी जो सॉल्यूशन है ये इंडिजिनस ही है और सही डायरेक्शन में हमारे कदम जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।